दिल्ली क्रिकेट के लिए मुश्किलें आ गई हैं। पूर्व कप्तान और पिछले साल के रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नीतीश राणा ने दिल्ली के लिए खेलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है। इस निर्णय के पीछे का मुख्य कारण क्या है, यह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो अभी रणजी टीम दिल्ली के तरफ से नहीं खेलने की अनुमति मांगी है। इसके साथ साथ पिछले साल के रणजी ट्रॉफी में इसी टीम के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले ध्रुव शोरे ने भी दिल्ली के लिए खेलने से इनकार कर दिया है। इससे दिखता है कि दिल्ली क्रिकेट में कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी टीम को छोड़ने की दिशा में जा रहे हैं। वे टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर सकते थे, लेकिन उनके इस निर्णय से कुछ अलग खास बातें सामने आती हैं। DDCA के संयुक्त सचिव राजन मनचंदा ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे नीतीश राणा और ध्रुव शोरे से बात करेंगे और उनके निर्णय के पीछे के कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि क्रिकेटरों की बात सुनी जाए और उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए। पिछले सीजन में राणा को कप्तानी से हटाकर यश धुल को नेतृत्व सौंपा गया था। हालांकि राणा इस निर्णय से असहमत थे और उन्होंने कहा कि धुल को अब तक दिल्ली के लिए खेला था और उन्हें कप्तानी से हटाना गलत फैसला था। इसके अलावा राणा को ड्रेसिंग रूम में कुछ खिलाड़ियों से परेशानी है। इस साल के IPL में मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी ऋतिक शौकीन के साथ हुए तीव्र मनमुटाव ने इस समस्या की ओर दिलचस्पी बढ़ा दी है। सूर्य कुमार यादव ने इस मामले में सुलझाने में मदद की और सभी को साथ लाने का प्रयास किया। ऋतिक ने इस साल भी दिल्ली के लिए रेड बॉल क्रिकेट में महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया। इससे साफ होता है कि दिल्ली क्रिकेट में नीतीश राणा और ध्रुव शोरे के निर्णयों के पीछे कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। टीम के लिए ऐसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को खोना निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है और इसका प्रभाव टीम के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। फैसलों को समझने के लिए उनके साथ दिलचस्पी से बातचीत करना जरूरी है ताकि इसका कारण और समस्याओं का सही समाधान निकाला जा सके।